नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आई एस बाई टेस्ट बुक में तो कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं भले होंगे और खुश भी होंगे तो सत्रह लोग देख रहे हैं आवाज भी आई गेस क्लियरली सुनाई दे रही है आ रही है कि नहीं आ रही है आवाज भी क्लियर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग गुंजन नगमा शमा हयंतिका रिया जिम्पी आशा जय हिंद गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग एवरी वन तो चलिए तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूपीएससी ने पास्ट में कई बार इस पर कई प्रकार के सवाल पूछे हैं और ऐसा नहीं कि एक साल ही आया है बार 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 उस टॉपिक पर सवाल आता रहा है क्या है टॉपिक कौन बताएगा जल्दी से मुझे क्या टॉपिक आज कवर करने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या पढ़ने वाले हैं आज क्या है आज के क्लास का टाइटल बताओ भैया चलो बताओ जब तक आप बता रहे हो तब तक आपको बता दू मेरा नाम किंजल चौधरी है ये टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं यहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे जो क्लास नोट्स हैं आपको पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगी तो अपने डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल मुस्कान जी जो कह रही हैं आप सब उनकी बात मानिए क्या कह रही हैं वो क्लास लाइक कीजिए बिल्कुल लाइक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें शेयर करने से याद आया आप लोगों को तो ज्ञान दे रहा हूं शेयर करो शेयर करो लेकिन खुद भी तो शेयर करना पड़ेगा ना मुझे तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल शेयर कर देता हूं तो ये रहा शेयर भी हो गया आप सब तक आ भी गया तो चलिए तो क्या टॉपिक है भाई क्या टॉपिक है आज का किसी ने बताया नहीं इकोलॉजिकल निश बहुत बढ़िया आज का जो टॉपिक है इट इज इकोलॉजिकल निश है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीसी ने कई बार कई प्रकार के सवाल पूछे तो चलिए इसके साथ आज की क्लास करते हैं स्टार्ट गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अब तक हमने क्या पढ़ा है अब तक हमने पढ़ा है इनवायरमेंट क्या होता है इकोलॉजी क्या होता है लाइगर विजय देवर कोंडा वाला क्या था एक फ्लॉप मूवी थी उसकी बात नहीं हो रही लाइगर क्या है क्या ये स्पीशीज है या नहीं है नहीं है लाइगर एक स्पीशीज नहीं है क्योंकि इसका जो ऑफ होता है ये फर्टाइल नहीं होता है ना ये हाइब्रिड ऑफ है इसके सिवा हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं इकोलॉजी यानी साइंटिफिक स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो साइंटिफिक स्टडी को अलग अलग स्केल पर कर सकते हैं वो क्या क्या स्केल हो सकते हैं इंडिविजुअल हो सकता है पॉपुलेशन हो सकता है कम्युनिटी हो सकता है इको लेवल हो सकता है और इको के बारे में हमने और पढ़ा था इसके बाद हमने बायोस्फेयर क्या है बायोम क्या है ये सब जाना था फिर हमने क्या देखा था कि भाई इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंट बायोटिक ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स क्या हैं है ना बायोटिक यानी जो जैव है जो जीवित है लिविंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ इको सिस्टम ए बायोटिक यानी नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ इको सिस्टम जैसे सन जैसे सॉइल जैसे वाटर जैसे एयर तो ये सब कैसे इको सिस्टम के कुछ कॉम्पोनेंट्स है और इनका क्या प्रभाव होता है फिर हमने देखा था इकोसिस्टम में जो जैव है जो बायोटिक है वो आपस में कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है तो हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफ क्या होता है कीमो ऑटोट्रॉफ क्या होता है हेटेरोट्रॉफ क्या क्या होता है? क्या होता है, है, मिक्सोट्रॉफ फिर हमने देखा था हेटरोट्रॉफ में ही अगर आप देखें तो कुछ फैगोट्रॉफ कहलाते हैं वो क्या होता है डिकम्पोजर्स क्या होते हैं तो हमने अलग अलग हरबी वोर कार् वो के बारे में पढ़ा फिर हमने पढ़ा डिट्री वोर्स क्या होते हैं

इकोटोन में इकोटोन में जो स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है वो बाकी इकोसिस्टम से जो आसपास में है उसके वो ज्यादा होती है या कम होती है इकोटोन में जो स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है वो सराउंडिंग इकोसिस्टम्स की तुलना में ज्यादा होती है या कम होती है हिंदी में गुड मॉर्निंग सर हिंदी में सुप्रभात गुंजन बिल्कुल ये इन्वायरमेंट की तीसरी क्लास है दूसरी क्लास जो हुई थी ना वो दो घंटे की थी ज्यादा होती है बहुत बढ़िया मुस्कान रुखसारा ने बताया ज्यादा होती है स्पीशीज डाइवर्सिटी इकोटोन में इस इफेक्ट को क्या कहते हैं कौन बताएगा इस इफेक्ट का क्या नाम है क्या है ये इफेक्ट कौन सा इफेक्ट कहते हैं और यहां पर रहने वाले स्पीशीज को भी क्या कहते हैं दोनों बताइए इस इफेक्ट को क्या कहते हैं क्या नाम है ज्यादा होती है ठीक बात है लेकिन अब नाम बताइए क्या कहते हैं इस इफेक्ट को कुछ टर्म है इसके लिए एज इफेक्ट बहुत बढ़िया हाँ एज इफेक्ट कहते हैं और यहाँ पे जो स्पीशीज रहते हैं उनको क्या कहते हैं एज स्पीशीज एज स्पीशीज तो एज इफेक्ट कहते हैं ये आपको जानना था और एज स्पीशीज यहाँ पे जो स्पेशलाइज स्पीशीज रहते हैं बहुत बढ़िया ये सब हमने पढ़ा था ये सब हमने पढ़ा है अब तक अच्छे से पढ़ा है फिर हमने देखा था बायोम प्रोडक्टिविटी भी हमने देखी थी कैसे इकोटोन में ज्यादा देखने मिलती है तो यहां तक सबको सब कुछ मालूम है मान के चलता हूं मैं आज से नया टॉपिक उठा सकते हैं एक नया टॉपिक ठीक है तो यहां तक की कहानी खत्म हुई अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद हम समझेंगे इकोलॉजिकल को इकोलॉजिकल को देखिए भैया हर जानवर का एक घर होता है है ना तो जो उसका घर होता है उसको क्या कहते हैं नेस्ट कहते हैं जहां पर वो रहता है सोता है रेस्ट करता है वो क्या कहलाता है नेस्ट कहलाता है अब नेस्ट के आसपास एक इलाका ऐसा होता है हर जानवर का जहां वो क्या करता है खाने के तलाश में ढूंढता है मेट के तलाश में घूमता है और इस प्रकार से वो घूमता रहता है है ना जहां जहां तक वो जाता है जिसको जितने इलाके से वो अपना खाना पीना जुगाड़ता है उसको क्या कहते हैं होम रेंज कहते हैं होम रेंज कहते हैं और इसी होम रेंज में उसका एक छोटा सा भाग उसके नेस्ट के पास वाला ऐसा होता है जिसको वो जानवर एक्टिवली डिफेंड करता है उस इलाके में उस प्रजाति का यदि और कोई जानवर आ जाएगा तो उसको मार भगाएगा वो क्या कहलाता है उसका टेरिटरी क्या कहलाता है टेरिटरी तो ये तीन चीजों को अभी हम समझेंगे बट उससे पहले हम जानेंगे और एक चीज ये है, हैबिटेट क्या होता है फिर? हैबिटेट क्या होता है तो हैबिटेट एक फिजिकल इन्वायरमेंट है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म नॉर्मली रहता है जैसे यहां पर आप देख रहे हैं तो ये कौन सा जानवर है भाई ये है जिराफ जिराफ कहां रहता है सवाना ग्रासलैंड तो सवाना ग्रासलैंड क्या हुआ इसका हैबिटेट हुआ पर सवाना ग्रासलैंड अगर मैं बोल दू तो ये तो क्या है बहुत बड़ा है, है ना सवाना ग्रासलैंड अगर मैं बोल दूं ऐसे तो ये तो आप कहोगे कि सर सवाना ग्रासलैंड से समझ नहीं आया है ना सवाना ग्रासलैंड अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा सा है अब कहा हो गया सवाना ग्रासलैंड में तो ये बहुत बड़ा है ये किसी स्पीशीज का होता है किसी स्पीशीज का होता है है ना जिराफ एज अ स्पीशीज उसका हैबिटेट क्या है तो समझ आता है आप बोलोगे सवाना ग्रासलैंड सवाना ग्रासलैंड क्योंकि हैबिटेट वो इलाका है जहां पे वो सारे इन्वायरमेंटल कंडीशन परफेक्टली मीट करते हो जो कि वो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता है सरवाइव करने के लिए मतलब इस सवाना ग्रासलैंड में ये जिराफ परफेक्टली फिट है जब वो फूड अपना प्राप्त कर सकता है जहां पे वो मेट प्राप्त कर सकता है और रिप्रोड्यूस भी कर सकता है इसके सिवा अन्य प्रेडेटर से भी परफेक्टली यहां पर बच सकता है तो जिराफ एज स्पीशीज़ इसका मैं क्या बोलूंगा हैबिटेट इंडियन एलिफेंट कहां रहता है तो मैं बोलूंगा हां चलो इंडियन सब में रहता है हालांकि एशियन एलिफेंट बी मोर प्रिसाइस <laughs> ग्रेट इंडियन राइनो कहाँ रहता है इसका हैबिटेट तो मैं कहूंगा तेराई वाले इलाके में रहता है कुछ ग्रासलैंड में मार्शी ग्रासलैंड में रहता है जो कि हमको ये हैबिटेट है, असम में भी देखने मिलता है यूपी के दुधवा में भी देखने मिलता है नेपाल में भी कुछ इलाकों में देखने मिलता है और इसी इलाके में और बंगाल के बक्सा में भी देखने मिलता है जो कि सब का सब वही तेराई ग्रासलैंड है उसी में हमको इंडियन राइनो देखने मिलता है तो ये क्या है राइनो का हैबिटाइट है किसका हैबिटेट है राइनो एज अ स्पीशीज का जिराफ एज अ स्पीशीज का हैबिटेट क्या है सवाना ग्रासलैंड एज अ स्पीशीज का क्या हैबिटेट है सवाना ग्रासलैंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का हैबिटेट क्या है एस्क्यूरीज एस्क्यूरी इकोसिस्टम कोस्टल रीजन तो ये क्या है उसका हैबिटेट है तो हैबिटेट किसका होता है किसी स्पीशीज का होता है ये समझ आया लेकिन मैं बोलू जिराफ एज ए स्पीशीज का हैबिटेट क्या है जिराफ का सवाना ग्रासफ्रेंड लेकिन मुझे इंटरेस्ट है इस मंगलू नाम के जिराफ पे मान लो ये जिराफ है इसका नाम है मंगलू मैं जानना चाहता हूं मंगलू के बारे में मंगलू का अगर मैं कहूं कहां रहता है उसका हैबिटेट क्या है तो सवाना लेकिन सवाना बहुत बड़ा है मंगलू थोड़ी ना पूरे सवाना में घूमेगा मंगलू तो सवाना में किसी छोटे से इलाके में ही रहेगा ना सवाना तो बहुत बड़ा है तो अगर हम देखें तो मंगलू मान लो इस पेड़ के नीचे यहां पे जो जंगल है पहाड़ है यहां पर कहीं पर उसका घर है जहां पर अपने बच्चे को छुपा के रखता है उसके लिए खाना लाता है तो ये क्या होगा इस मंगलू का ये पहाड़ के नीचे एक पेड़ है जिसके आसपास वो रहता है वो क्या हुआ मंगलू का वो क्या हुआ मंगलू का वो मंगलू का नेस्ट हुआ। क्या हुआ मंगलू का वो नेस्ट हुआ समझ आया अब नेस्ट में तो छुप के अपने बच्चे को रखता है खुद रात को प्रेडेटर से बचने के लिए वहां पर रहता है लेकिन बाकी टाइम मंगलू खाना भी तो ढूंढता है ना लंबी दूरी तक घूमता भी तो होगा तो इस सवाना ग्रासलैंड में मान लो इस मंगलू का नेस्ट यहां पर था और मान लो ये सवाना ग्रासलैंड में मंगलू अकेला इतने इलाके में घूमता है वो क्या होगा उसका जितने इलाके में वो घूम रहा है नेस्ट के आसपास वो होगा उसका होम रेंज ये वो इलाका है जहां कोई जानवर रहता है और डेली से पीरियोडिक बेसिस में जहां पर वो मूव करता है ये बहुत बड़ा इलाका है बहुत बड़ा इलाका है और ये हर जानवर की अलग अलग हर जानवर का अलग अलग स्वभाव होता है वो जिस इलाके में रहता है वहां पे अलग अलग प्रकार से रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन डेंसिटी होती है जिस वजह से अन्य स्पीशीज के साथ कंपटीशन होता है जिस वजह से वो होम रेंज का साइज कहीं ज्यादा होता है तो कहीं कम होता है तो होम रेंज क्या है समझ आया कितने इलाके में मंगलू घूम रहा है खाना मेट की तलाश में अब और बाकी जानवरों से बचने के लिए प्रेडेटर से बचने के लिए वो क्या है उसका होम रेंज है इतना समझ आया सभी को अब इस होम रेंज में इस होम रेंज में इस होम रेंज में एक ऐसा इलाका है जिसको मंगलू कहता है यहां पे अपुनिज भगवान है है ना क्या कहता है मंगलू ये मेरा टेरिटरी है और इसको वो मार्क भी करता है डिफेंड भी करता है यहां पे मंगलू का दोस्त चंगलू आ जाएगा तो उसको मार के भगा देगा बोलेगा यहां नहीं आने का यहां पे जो खाना मिलता है वो मैं खाऊंगा जो दूसरी जिराफ है उससे मैं ही मेट करूंगा वो क्या है उसका टेरिटरी होगा टेरिटरी होगा जिसको वो इंडिविजुअल क्या करता है मार्क करता है डिफेंड करता है उसको कहते हैं उसका टेरिटरी कैसे मार्क करता है कोई भी जानवर अलग अलग तरीके होते हैं कई बार आवाज से है ना आवाज से साउंड से जैसे यहां पे ये पैक ऑफ वुल्वस है ये पैक ऑफ वुल्वस है अब देखिए ऐसा नहीं है कि टेरिटरी हमेशा इंडिविजुअल का ही हो वो जानवर के स्वभाव पर भी निर्भर करेगा जैसे कि जैसे कि कुछ जानवर अकेले रहते हैं कुछ जानवर अकेले रहते हैं टाइगर क्या रहता है अकेले रहता है तो टाइगर के इंडिविजुअल का टेरिटरी होता है वही लायन देखोगे तो लायन का ग्रुप होता है जिसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में प्राइड कहते हैं प्राइड तो लायन प्राइड में रहता है तो वो प्राइड का पूरा एक मार्क् टेरिटरी होता है वैसे ही वुल्फ भी अगर आप देखोगे कैसे रहता है इंडिविजुअल वुल्फ नहीं रहता है वुल्फ अगर आप देखो तो पैक में रहता है ग्रुप में रहता है तो ग्रुप ऑफ वुल्फ अपने टेरिटरी को मार्क करते हैं कैसे एक तरीका होता है इसमें से साउंड जो आवाज निकालते हैं ऊपर बैठ के और एक चिल्लाता है उसके पीछे पीछे सब के सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं ठीक है इसके सिवा दूसरा तरीका क्या हो सकता है सेंट सेंट छोड़ जाते हैं कैसे सेंट छोड़ जाते हैं यहां देखो ये जैगुआर क्या कर रहा है ये पेड़ को बैठ के घिस रहा है और इस दौरान क्या कर रहा है इस दौरान अपना जो शरीर का स्मेल है वो इस पेड़ पे छोड़ दे रहा है जिससे जिससे वो बाकी जैगवार को बोल रहा है यहां नहीं आने का ये मेरा टेरिटरी है मेरा टेरिटरी है तो वैसे ही स्मेल हो सकता है कई बार डिस्प्ले मूवमेंट से भी एक दूसरे को अपना टेरिटरी बता देते हैं जानवर की है मेरा टेरिटरी है यहां मत आना लेकिन टेरिटरी क्या होता है हमेशा छोटा होता है क्यों क्योंकि टेरिटरी को एक्टिवली डिफेंड करना है उसके रिसोर्सेज पर आप अगर देखें तो वर्चस्व पाना है तो ये टेरिटरी कभी भी बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि टेरिटरी को डिफेंड करने में वक्त लगता है एनर्जी लगती है और इसलिए टेरिटरी क्या होते हैं उसके होम रेंज की तुलना में बहुत छोटे हैं और ऐसा भी नहीं है कि टेरिटरी हर वक्त डिफेंड किया जाता है नहीं यूजुअली टेरिटरी अगर आप देखें तो कई जानवर मेटिंग सीजन के दौरान ही उसको अगर आप देखो तो डिफेंड करते हैं क्लियर है तो यहाँ पे ये देख रहे हो हाथी है इसका ये क्या है नेस्ट है यहाँ पे रेड कलर में देख रहे हो तो वो क्या है उसका टेरिटरी है और इतना इलाका जहां पे वो विचरण कर रहा है वो क्या है उसका होम रेंज है आशुतोष कह रहे हैं कब एग्रीकल्चर स्टार्ट होगा भैया अभी ज्योग्राफी चल रहा है एनवायरमेंट इकोलॉजी चल रही है डेली करेंट अफेयर्स के वीडियोज आते हैं और क्या अच्छा हो मुझसे अब और कैसे मैं स्टार्ट कर दूं थोड़ा वक्त दो कुछ तो खत्म होने दो उसके बाद एग्रीकल्चर भी ले आएंगे है ना एग्रीकल्चर भी तभी लाएंगे पहले लेकिन जो हाथ में है जो करवा रहा हूँ चाहूंगा वो मैं खत्म करवा देना ठीक है चलिए तो एनिमल का अगर आप होम रेंज देखें तो कैसा होता है टेरिटरी से काफी बड़ा होता है होम रेंज को डिफेंड करने की आवश्यकता नहीं होती है और अलग, अलग अलग जानवरों का होम रेंज क्या हो सकता है ऐसे आप देख रहे हैं यहां ये क्या कर रहा है ओवरलैप कर रहा है ना तो ये ओवरलैप कर सकता है ओवरलैप कर सकता है किसी भी जानवर का ये जो होम रेंज है ये किस पर निर्भर करता है कितना बड़ा होम रेंज होगा कितने इजीली रिसोर्स अवेलेबल है अगर बहुत रिसोर्स है तो जानवर दूर तक क्यों विचरण करेगा क्या जरूरत है जानवर को दूर तक जाने की पास में ही उसका काम हो जाता है तो अगर resource density बहुत हाई है तो क्या होगा जानवर दूर तक नहीं जाएगा वैसे ही अगर कम है तो जानवर को बड़े इलाके में विचरण करना पड़ेगा दूसरा किस पर निर्भर करता है पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है अगर कोई जंगल है इस जंगल में दो ही टाइगर है तो दोनों के दोनों अपना अपना बांट लेंगे लेकिन अगर पॉपुलेशन हाई है चार टाइगर हो गए तो चार भागों में इसको बांटना पड़ेगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी पर भी आपको होम रेंज निर्भर करता है इसके सिवा अन्य स्पीशीज से क्या कॉम्पिटिशन है मान लो टाइगर तो रहता है मान लो टाइगर तो रहता है इतना बड़ा टाइगर कहता है कि ये मेरा होम रेंज है इतने इलाके में टाइगर क्या करेगा इसको जो रिसोर्सेस है वही कंज्यूम करेगा तो टाइगर तो है लेकिन यहीं पर यहाँ पे कुछ हाइना भी रहते हैं जो कि इंतजार करते हैं टाइगर शिकार करे फिर टाइगर को खदेड़ देंगे और उसका खाना खा लेंगे तो टाइगर भी क्या करेगा बोलेगा भैया ये वाले इलाके में अपन को जाना इच नहीं है यहाँ पे बहुत टेंशन है बाबा यहाँ नहीं जाएगा मैं वो क्या करेगा इतने भागे भाग में ही शिकार विकार करके खाना वाना जुगाड़ देगा तो अन्य स्पीशीज के साथ कंपटीशन भी कंपटीशन भी अगर आप देखो तो निर्धारित करता है कि होम रेंज की साइज कितनी होगी कैरिंग कैपेसिटी कैरिंग कैपैसिटी नुखसा थोड़ा टेक्निकल हो जाता है अभी मैंने बताया नहीं है तो अभी आप समझिए रिसोर्स डेंसिटी रिसोर्स डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी भी क्या है एंड ऑफ द डे रिसोर्स डेंसिटी रिसोर्स अवेलेबिलिटी कॉम्पिटिशन उन सब का सम टोटल तो अभी के लिए वही चीज वही चीज है तो इतना समझ आया इतना समझ आया सभी को मान के चलू समझ आया तो अब हम चलेंगे इसी से मिलता जुलता अगला टर्म आज का जो टर्म है क्या टर्म है आज का इकोलॉजिकल निश चलिए ओ तो, टाइगर नहीं जाएगा भाई हिना के इलाके में नहीं जाएगा वहां पे हम्म रिक्स लेने का ही नहीं रे बाबा वहां नहीं जाना मेरे को चलो नेक्स्ट देखते इकोलॉजिकल निश क्या है इकोलॉजिकल निश इकोलॉजिकल निश क्या है फंक्शनल रोल एंड पोजिशन अस्पिशीज इन इको सिस्टम क्या बोल दिया मैंने आप कहोगे सर ये अरबी मत बोलो हिब्रू मत बोलो कुछ और बोलो मुझे मालूम है आप यही कहोगे नहीं समझ आया तो आइए इसको सिंपलीफाई करते हैं लेकिन ये डेफिनेशन आप क्या करोगे याद करोगे क्यों क्योंकि यूपीएससी ने एज इट इज पूछ दिया है स्टेटमेंट में डाल के इकोलॉजिकल निश इज फंक्शनल रोल एंड पोजीशन अ स्पीशीज हैज इट्स इकोसिस्टम तो यहां पे दो टर्म हमको देखने मिल रहा है जो समझ नहीं आ रहा है, एक है फंक्शनल रोल दूसरा है पोजीशन फंक्शनल रोल हो गया फंक्शनैलिटी कोई भी स्पीशीज अगर फंक्शन कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है कैसे अपना खाना तलाश रहा है कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है तो ये सारे रोल को कैसे फुलफिल कर रहा है वो क्या हुआ फंक्शनल रोल पोजीशन, यानी हैबिटेट तो बता दिया ना सवाना ग्रासलैंड, लेकिन उसमें एग्जैक्टली exactly कहा वो भी क्या है उसका पोजीशन। तो आइए इसको अब समझते हैं थोड़ा बेहतर तरीके से तो कोई भी स्पीशीज का निश होता है वो सब कुछ जो वो कर रहा है जिसके द्वारा वो सरवाइव कर पाता है उसको क्या कहते हैं उसका निश कहते हैं निश यानी वो सब कुछ जो करता है जिसकी वजह से वो सरवाइव करता है और अपने प्रोजनी को ऑफस्प्रिंग को जन्म दे पाता है वो क्या है उसका वो सब कुछ वो कहलाता है इसका इकोलॉजिकल निश यानी कि वो अपने बायोटिक फैक्टर से कैसे इंटरेक्ट करता है वो अपने एबायोटिक फैक्टर से कैसे इंटरेक्ट करता है इन सब का सम टोटल मिलके बनता है इकोलॉजिकल निश तो निश में कोई भी स्पीशीज के बहुत सारी बातें आपको देखने मिलेंगी हैबिटेट भी देखने मिलेगा कि वो कहां पर रहता है क्या खाता है कैसे खाना जुगाड़ता है क्या खाता है क्या डिकम्पोज करता है किससे कॉम्पीट करता है फूड निश भी इनक्लूड होता है वैसे ही रिप्रोडक्टिव निश भी इनक्लूडेड है कि वो कैसे अपने मेट को तलाश रहा है रिप्रोड्यूस कर रहा है फिजिकल एंड केमिकल निश भी है कि वो कैसे अपने एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरैक्ट करता है सॉइल के साथ वाटर के साथ वेदर के साथ पानी के साथ स्लोप के साथ ह्यूमिडिटी के साथ कैसे उनके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है वो भी क्या आता है उसके निश में आता है यानी कि निश क्या है वो सब कुछ जो कोई भी स्पीशीज अपने इन्वायरमेंट में करता है वो जिस वजह से सरवाइव कर रहा है वो क्या है उसका इकोलॉजिकल निश है नेचर में कई स्पीशीज आप कहोगे अच्छा और एक चीज जानिए इकोलॉजिकल निश अलग अलग स्पीशीज का अलग अलग होता है और डिफरेंट स्पीशीज इकोलॉजिकल निश ओवरलैप नहीं फॉर डिफरेंट स्पीशीज इकोलॉजिकल निश अगर आप देखो दे कैनॉट बी सेम इंटायरली सेम नहीं हो सकता है चलिए अब इसको थोड़ा बेहतर तरीके से हम समझेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है तो हो सकता है आपको डिफिकल्टी हो रही होगी पर एग्जाम्पल से जब समझेंगे ना तो बढ़िया समझ आ जाएगा ये क्या है ये एक पेड़ है ये एक पेड़ है यहां पे तीन प्रकार की पंछी आपको दिख रही है बे ब्रेस्टेड वॉर्ब्लर येलो रम्ड वॉर्बलर केप में वॉर्ब्लर ठीक है तीनों इस पेड़ पे रहती हैं, तीनों इस पेड़ पे रहती हैं। अब ओवर टाइम तीनों एक ही टाइप की पंछी थी वॉर्बलर थी ज्यादा अंतर नहीं था ज्यादा अंतर नहीं था फिर क्या हुआ यह पंछी इस पेड़ में रहती थी और इस वजह से इनमें क्या होने लगेगा सब की सब तीनों पंछियां इसी पेड़ से फल खा रही है ना इसी पेड़ की छाव में छुप के बिल्ली से या फिर फॉक्स से या फिर अन्य प्रेडेटर से बच भी रही है यह कहानी तो आप सब समझ ही रहे होंगे तो ओवर टाइम अब लिमिटेड रिसोर्स है पेड़ के लिमिटेड पार्ट में ही सबको छुपना है मान लीजिए ओरिजिनली ये सब की सब ऐसे ही रेड कलर की थी और यहां पे इसी पार्ट में पेड़ का जो पत्ते हैं रिलेटिवली रेडिश कलर के होते हैं तो अच्छे से छुप जाती हैं तो ओवर टाइम क्या होने लगेगा ओवर टाइम ये सारे के सारे पंछी इतने इलाके में क्या करने लगेंगे कब्जा करना चाहेंगे इनमें क्या होने लगेगा कॉम्पिटिशन होने लगेगा फिर ओवर टाइम क्या होगा हजारों हजार साल बीत जाएंगे उसके बाद इनमें कुछ आप देखोगे तो हल्के मॉडिफिकेशंस आने लगेंगे बेसिकली क्या हो रहा है एवोल्यूशन आना शुरू हो जाएगा ऐसा हो जाएगा जो बे ब्रेस्टेड वॉर्बलर है ये एक स्पीशीज बन जाएगी जो कि इतने पार्ट ऑफ पेड़ में रहेगा इतने पार्ट में जिस प्रकार के फल हैं जिस प्रकार के पत्ते हैं जिनमें छुपना आसान है उसी प्रकार से वो एग्जिस्ट करेगा वही हो सकता है वो पंछी जो कि टॉप ऑफ द पेड़ में रहना सीख जाएगा ये हो गया केप में वॉर्बलर ये क्या करेगा टॉप ऑफ द ट्री पे जो सॉफ्ट पत्ते हैं उसको खाने में एक्सपर्ट हो जाएगा वैसे ही एक नीचे वाले भाग में रहना शुरू कर देगा येलो रमड वॉर्बलर ये क्या करेगा कि यहाँ पे बहुत कीड़े होते हैं तो इस भाग में जो कीड़े हैं उनको खाने में एक्सपर्ट हो जाएगा तो आप देखोगे ये सारे के सारे पंछी वैसे तो सेम हैबिटेट ऑक्यूपाई किए हुए हैं लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं ये टॉप वाला फ्रूट खा रहा है ये नीचे वाला इंसेक्ट खा रहा है और ये बीच वाला हो सकता है अन्य कुछ पत्ते वगैरह खा ले रहा है तो ये क्या बताता है कि ये तीन स्पीशीज हैं वैसे तो सेम हैबिटेट ऑक्यूपाई करते हैं लेकिन डिफरेंट फंक्शंस हैं तो ये तीनों के तीनों का क्या है अलग अलग इकोलॉजिकल निश है समझ आया गुड मॉर्निंग अभिलाष ये इतना समझ आया हम्म जैसे कि अब इसको समझिए अब इसको समझिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं एक डिफरेंट फूड निश है बिल्कुल दिस इज द डिफरेंट सिंधी फूड निश बिल्कुल तो एक जंगल है एक जंगल है इस जंगल में मान लो यहां पे एक टाइगर रहता है तो टाइगर किस प्रकार से अपना खाना जुगाड़ रहा है यानी प्रे को हंट कर रहा है वो क्या है उसका एक निष्ठा हिस्सा है कितने इलाके में उसका नेस्ट है जहां वो रहता है ये भी क्या है उसके निष्ठ का हिस्सा है जहां पे वो रह रहा है एक मिनट फोन डिस्चार्ज हो रहा है। चार्ज करना जरूरी है वरना आप लोग कमेंट नहीं देख पाऊंगा ठीक है तो ये क्या है ये भी उसका निश्चय कहां रहता है वो टाइगर कितने इलाके में रहता है जो उसका होम रेंज है जहां तक वो घूमता है जहां तक वो घूम के खाना जुगाड़ता है जहां तक घूम के पानी जुगाड़ता है जहां तक घूम के मेट जुगाड़ता है वो क्या है उसका हैबिटेट है वैसे ही कितने इलाके से वो अपने मेट को रिप्रोड्यूस कर रहा है वो उसका रिप्रोडक्टिव निश्चय। वैसे ही वो टाइगर किस प्रकार से पानी पीने कहा जाता है छाव में धूप ज्यादा हो जाती है तो छाव में कहा रहता है कहाँ अपने छुप के वो बाकी लोगों से रहता है ये सब उसका फिजिकल एंड केमिकल निश्च है तो वो सब कुछ जो टाइगर कर रहा है जो उसको टाइगर बनाता है वो क्या है उसका इकोलॉजिकल निश है क्लियर है क्लियर है ठीक है यानी कि अगर मैं इंसान के लिए कुछ ऐसा ही टर्म रिलेट करके बताऊं <coughs> तो मेरा इकोलॉजिकल निश क्या क्या हो गया अगर इसी तो अगर इसी को कंटेक्स्ट को मैं थोड़ा सा पैरेलल ड्रॉ करूं तो तो मैं कहा रहता हूं मेरा घर है ना ये क्या है मेरा नेस्ट हुआ। इसके सिवा मैं कहां कहां घूमने जाता हूं आसपास है ना कभी खाना लाने कभी राशन लाने कभी पानी लाने कभी मनोरंजन करने वो सब क्या है मेरा एक कहाँ से मैं खाना ला रहा हूं और ये सब और मैं क्या कर रहा हूं मेरा जॉब क्या है मेरा नेचर क्या है मेरा स्वभाव क्या है जो मुझे मैं बना रहा है वो सब कुछ वैसे ही मेरा इकोलॉजिकल निश हुआ तो इतना क्लियर है उम्मीद करता हूं ये समझ आया आपको तो कभी भी, कभी भी दो, कभी भी दो स्पीशीज सेम निश एट दी सेम टाइम ऑक्युपाई नहीं करते ज्यादा देर तक स्पीशीज सेम रिसोर्सेज कंपीट करने लगेंगे जाहिर सी बात है और ओवर टाइम उनमें सेपरेशन हो जाएगा जैसे हमने देखा ये दो प्रकार के आपने देखे ना यहां पे कैसे तीन प्रकार की चिड़िया थी यहीं पर रहती थी लिमिटेड रिसोर्स था तो इसको ज्यादा देर तक तीनों प्रकार की चिड़िया शेयर नहीं कर पाएंगी क्या कर लेंगी वो ओवर टाइम कॉम्पिटिशन के वजह से उनमें एक्सक्लूजन हो जाएगा कि चलो इतना तुम बांट लो इतना तुम बांट लो इतना मैं रख लेती हूं तो ये क्या है लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन यहां पे आपको एक एग्जाम्पल देता हूं रेड स्क्विरल और ग्रे स्क्विरल ठीक है ये 1945 का मैप है इतने भाग में यूके में रेड स्क्वेरल रहती थी और इतने भाग में ग्रे स्क्ल रेड स्कूरल ग्रे स्क्ल अगर आप देखें सिमिलर फूड दोनों ही खाते हैं दोनों ही लगभग सिमिलर एक समान का खाना खाते हैं लेकिन अब दोनों के दोनों का जो निश है लगभग सिमिलर है तो अब क्या होगा अब क्या होगा दोनों स्पीशीज एक दूसरे से कॉम्पीट करने लगेंगे कॉम्पीट करते करते फाइनली एक टाइम आएगा जब क्या हो जाएगा या तो इस कॉम्पिटिशन में कोई एक जीत जाएगा या फिर इस कॉम्पिटिशन में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा यही हो सकता है ना कॉम्प्रोमाइज हो गया याने बांट लो इतने में तुम इतने में मैं इतने में ये और अपने टेरिटरी के अनुसार जहां वो रहेगा अपने हैबिटेट के अनुसार कुछ स्पेशलाइजेशन हो जाए कुछ स्पेशलाइजेशन हो जाए अगर वो ना हुआ तो क्या होगा एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को खदेड़ के भगा देगा तो यहां पे देखो कैसे ग्रे स्क्विरल ने ये रेड स्क्विरल के टेरिटरी को ऑक्युपाई करना शुरू किया और ये 2000 ईयर आते-आते 50 साल में रेड स्क्विरल को आप देख सकते हो कैसे भगाना शुरू किया और 2010 तक आते आते आप देख सकते हो यहां से भी और बड़े इलाके में रेड स्क्विरल को ग्रे स्क्विरल ने कैसे भगा दिया है तो यहां पे क्या हुआ सेम इकोलॉजिकल निश था तो आउटकम क्या हुआ सेम इकोलॉजिकल निश होने का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो गया एक स्पीशीज ने दूसरे स्पीशीज को खदेड़ के भगा दिया तो ये क्या है लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन Clear है ठीक है चलिए अगला टर्म देखते हैं इसी से मिलता जुलता है एक जैसे लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन है नेटिव फ्लोरा वर्सेस इन्वेजिव फ्लोरा यहां पे वैसे हम फाउना की बात कर रहे हैं लेकिन आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है ठीक है वैसे ही भारत में भी हो रहा है तिलापिया मछली काफी ज्यादा इन्वेड कर रही है और जो डोमेस्टिक रोहू कतला होता है ना पानी में उसको कहीं ना कहीं तेजी से मूव कर रही है तिलापिया मछली शायद आप जानते हो अमेजन की मछली है अमेजन नदी की मछली है अमेजन या नाइल नाइल अमेजन अमेजन एक बार जो भी है मतलब इन्वेजिव मछली है एक बार देखिएगा नाइल भी हो सकता है तो वहां से इसको लाया गया था वहां से इसको लाया गया था और फिर भारत में तेजी से इस उम्मीद में कि लोगों को मछली मिलेगी खाने के लिए क्योंकि हर जगह रह पाता है तो इसको अलग अलग वाटर रिसोर्सेज में डाला गया था तिलापिया मछली को ओवर तो टाइम हुआ यूं कि जो अपनी जो इंडिजिनस रोहू कतला है उसको इसने खदेड़ के भगा दिया और उसका पूरा निश्च तिलापिया ने ऑक्यूपाई कर लिया जिसमें है दम वही है सिंघम हाँ यही है जंगल राज जंगल राज यही है दिस इज वॉट जंगल राज is. जंगल राज क्या कहता है तिलापिया के लिए इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा स्वीट फिश नहीं है ये अगर आप देखो तो बिटर फिश में आता है थोड़ा चलिए अगला टर्म हम देखने जा रहे हैं अगला थ्योरी हम ऐसे ही जैसे लॉ ऑफ कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन आपने देखा वैसे ही आपको बताना चाहूंगा जितनी ज्यादा निश में डाइवर्सिटी होगी वो इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा ग्रेटर डाइवर्सिटी ग्रेटर द इकोसिस्टम स्टेबिलिटी अब इसके लिए अलग अलग थ्योरीज हैं। अब थ्योरी का नाम आपको मैं नहीं बताऊंगा दैट इज नॉट यूजफुल लेकिन इतना आपको जानना चाहिए किसी इकोसिस्टम में जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है वो इकोसिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उतने ही ज्यादा एनर्जी फ्लो के पाथवेज होते हैं जरा देखो जरा देखो इस इकोसिस्टम में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो यहां पे अगर आप देखो तो कितने स्पीशीज हैं बारह अगर बारह है यानी कि थोड़ा सा लिमिटेड इकोसिस्टम है टोटल नंबर ऑफ निश्स भी अगर आप देखोगे बस बारह हो रहा है वही वहीं अगर आप इसकी बात करो तो पता नहीं कितने सारे हैं बहुत ज्यादा है गिनने बैठूंगा तो कम से कम अगर आप देखोगे तो चालीस पचास आपको निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है इनमें ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज कौन से इको में है ये नंबर टू वाले में तो क्या ज्यादा स्टेबल थ्योरी कहती है कि ये होगा थ्योरी क्या कहती है ज्यादा स्टेबल कौन होगा यही होगा ना क्यों है ऐसा क्यों ऐसा आओ तो देखते हैं ये सिंपल सा एक इकोसिस्टम है इसमें पूरा एनर्जी फ्लो स्टार्ट कहां से हो रहा है ये सनफ्लावर प्लांट से यही ऑटोट्रॉफ है ये क्या कर रहा है ये अगर आप देखो तो बस यही है जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है और इसी को खा रहे हैं बाकी जीव और इस वजह से ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम चल रहा है कि नहीं इस इकोसिस्टम में ज्यादा इकोलॉजिकल नेश नहीं है वहीं यहां पे एनर्जी फ्लो कहां कहां से आ रही है डेड एनिमल एंड प्लांट से भी आ रही है है ना इसके सिवा आप अगर देखोगे तो यहां पे रहने वाले कुछ डिकम्पोजर्स हैं उससे भी आ रही है लार्ज ग्रीन प्लांट्स हैं उनसे भी एनर्जी आ रही है मतलब काफी डाइवर्स है प्रोड्यूसर्स भी कई प्रकार के हैं डम्पोजर्स भी हैं हैं भी है, सब कुछ आपको देखने मिलेगा और वहीं से एनर्जी की शुरुआत हो रही है तो यहाँ पे इस इकोसिस्टम का गिरना बड़ा आसान है मान लो कल को एक सनफ्लावर प्लांट का कोई इन्फेक्शन आ गया सनफ्लावर प्लांट मर गया तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा कोलैप्स कर जाएगा या फिर ये जो क्रिकेट है यहाँ पे ये क्रिकेट ही कल को मर गया खत्म हो गया तो ये क्रिकेट जैसे ही खत्म हो जाएगा आप देखोगे ये चिड़िया तक खाना का एक सोर्स खत्म हो जाएगा ये चूहे तक खाने का एक सोर्स खत्म हो जाएगा ये उल्लू के तक खाने का एक सोर्स खत्म हो जाएगा यानी कि इन शॉर्ट क्या होगा कि यह पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो मोर ससेप्टिबल मोर वलनरेबल टू कोलैप्स हो जाएगा लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है यहां पे ऐसा नहीं है ये श्रिम्प ये मर ही गया तो कोई बात नहीं ऑल्टरनेट पाथवेज हैं बहुत सारे जहां से एनर्जी फ्लो अभी भी कर पाएगा तो इसीलिए क्या है थ्योरी क्या है लॉ कि जितनी ज्यादा किसी भी इकोसिस्टम में निश डाइवर्सिटी होगी वो इकोसिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि एनर्जी फ्लो के उतने ज्यादा ऑल्टरनेट पाथवेज होंगे समझ आया दोनों थ्योरी समझ आई दोनों लॉ समझ आया रटने का नहीं है समझना है समझे समझ गए ना इसको विजुअलाइज हुआ चलिए <coughs> वैसे ही अगर आप देखें तो निश दो प्रकार के होते हैं फंडामेंटल निश, रियलाइज निश फंडामेंटल निश, रियलाइज निश, यहां पे आप जो देख रहे हो यहाँ जो आप देख रहे हो बारनेकल 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 क्या होता है समुद्र में रहने वाला जीव है क्या करता है ये ये पत्थर वत्थर पे चिपक के चिपक जाता है पत्थर मिलेगा जो भी समुद्र के किनारे रॉकी इलाके हैं उन रॉक्स में बारनेकल जाके चिपक जाता है पत्थर ही नहीं पत्थर ही नहीं जो टर्टल इस पानी में रहता है ना उसके ऊपर भी चिपक जाता है चिप्स चलती है तो शिप पे भी चिपक जाता है बारनेकल है ना तो अलग अलग पत्थरों पे इस प्रकार से मतलब कोस्टल इलाके में रहने वाला एक जीव है कॉलोनाइज करता है चिपक चिपक के चिपक चिपक के कॉलोनाइज कर देता है ठीक है तो निश में निश में दो कंसेप्ट होता है एक फंडामेंटल निश एक रियलाइज निश फंडामेंटल निश हुआ थियोरेटिकल, थ्योरेटिकल थ्योरेटिकली कोई स्पीशीज कितने इलाके में रह सकता है थियोरेटिकली उसका निश कितना बड़ा हो सकता है वो क्या है फंडामेंटल निश लेकिन एक्चुअल में तो कंपटीशन भी होता है फंडामेंटल निश में मान के चलते हैं कि कोई कंपटीशन नहीं है कंपटीशन कितना है जीरो है लेकिन आफ्टर कंपटीशन कितना बड़ा निश एक्चुअल में वो स्पीशीज को मिल रहा है वो क्या है निश रियलाइज का मतलब ही यही हुआ ना कितना ले पाए फंडामेंटली इतना मिलना था मिला इतना तो रियलाइज निश इतना जो फंडामेंटली जो थियोरिटिकली मिलना था उतना बड़ा निश क्या कहलाएगा फंडामेंटल निश ऊपर ऊपर से समझ आया इससे पहले मैं एग्जाम्पल दू ऊपर ऊपर से समझ आया सभी को ऊपर ऊपर से समझ आया क्या है हाँ भाई यस सर बहुत बढ़िया तो ये दो प्रकार के बारनेकल हैं ठीक है एक है ये ब्लू वाला एक है ये ब्राउन वाला फंडामेंटली थ्योरेटिकली दोनों ही बारनेकल हाई टाइड से लेकर लो टाइड के बीच में कहीं पर भी रह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है दोनों अलग अलग यहां भी ब्राउन रह सकता है यहां भी ब्राउन रह सकता है यहां भी ब्लू रह सकता है यहां भी ब्लू रह सकता है दोनों कहीं भी रह सकते हैं एज लॉन्ग एज हाई टाइड और लो टाइड के बीच का पानी हो तो दोनों ही बार निकल फिशीज एनी रह सकते हैं टाइड और लो टाइड लाइन के बीच में ये क्या है इनका इतना बड़ा इलाका क्या है इनका कौन सा निश है ये ये इनका फंडामेंटल निश है इसके बीच में दोनों ही स्पीशीज का ये क्या है फंडामेंटल निश है लेकिन ए बायोटिक एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसे हैं। और दोनों स्पीशीज में जो है उस वजह से दोनों में क्या हो गया है को लेके डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है कि भाई ऐसा करते हैं ना नीचे वाला पानी जो गहराई में लोटाइड के पास है वो पानी में कुछ इस प्रकार से अगर हम देखें तो वहां पे तुम रह लो ब्लू वाला बोला ब्लू वाला रह लेगा और ऊपर का पानी जो हाई टाइड के पास है जहां से फ्रेश वाटर ज्यादा इन्फ्लक्स होता है फ्रेश वाटर रिलेटिवली ज्यादा मिलता है थोड़ा स्वीटर साइड पे है वहां पे ब्राउन वाला बोला मैं रह लूंगा तो ये क्या हुआ इन दोनों का अलग-अलग रियलाइज्ड निश ये क्या हुआ इन दोनों का अलग-अलग रियलाइज्ड -अलग तो ए बायोटिक बायोटिक फैक्टर्स के बाद जो निश एक्चुअली उनको मिला उसको क्या कहते हैं रियलाइज्ड क्लैरिटी मिली क्लैरिटी मिली सभी को समझ आया तो कल हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे कल हम करेंगे इकोलॉजिकल निश को समझने के बाद सक्सेशन क्या होता है है ना कैसे सक्सेशन होता है अलग अलग प्रकार क्या है सक्सेशन के प्राइमरी सक्सेशन क्या है सेकेंडरी सक्सेशन क्या है ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या है एलोजेनिक सक्सेशन क्या है उसके बाद हमको पढ़ना है एनर्जी फ्लो के बारे में कैसे एनर्जी फ्लो होती है ट्रॉफिक लेवल्स क्या है फूड चेन क्या होता है फूड वेब क्या होता है अलग अलग प्रकार का बायोटिक इंटरेक्शन क्या है फूड वेब में रेडेशन क्या है हरबी क्या है है ना पैरासिटिज्म क्या है म्यूचुअलिज्म क्या है कंपटीशन क्या है तो ये सब आने वाले दिनों में हम देखने वाले हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है तो अगेन कल की क्लास रिकॉर्डेड आपको मिलेगी कल की क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी तो आप लोग जरूर उसको देख सकते हैं ना कल रिकॉर्डेड क्लास आपको शेयर किया जाएगा आपके साथ ठीक <coughs> है तो बाकी बाकी और टाइम है अपने पास किसी को कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं तो मैं और कुछ एक कुछ कंसेप्ट बच रहा है क्या यहाँ पे कुछ सवाल हैं आपके इस बीच में तो मैं इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट नहीं करना चाहूँगा सक्सेशन में स्टार्ट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बहुत कुछ है इसमें मास्टर क्लास नहीं है इन्वायरमेंट इकोलॉजी में मास्टर क्लास नहीं है एज ऑफ नाउ हमने नहीं रखा है तो अगर ज़रूरत पड़ेगा तो वो भी रख देंगे जरूरत पड़ेगा तो रख देंगे आप लोग जाएंगे वीकेंड्स पे मास्टर क्लास अटेंड करना चाहेंगे तो उस हिसाब से हम रख सकते हैं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन वगैरह हम पढ़ने वाले हैं सर ये लो नाश्ता कर लो बहुत बढ़िया। इकोलॉजिकल इकोलॉजी से कितने क्वेश्चन आते हैं पहली क्लास आपने मिस की है मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूं तो क्वेश्चन से करता हूं है कि नहीं एमसीक्यू प्रैक्टिस ठीक है मैं करता हूं मैं करता हूं कि आप लोगों तो के लिए एमसीक्यू का भी कुछ जुगाड़ करूंगा उसमें ठीक है तो मास्टर क्लास में वो भी कर सके तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपको सवाल का वेटेज देखने मिलेगा सत्ताईस अट्ठाईस सवाल तक आया है ऑन एन एवरेज आप अगर पकड़ोगे ना तो ये नंबर मार्क है ट्वेंटी क्वेश्चन मार्क प्रीलिम्स में ट्वेंटी क्वेश्चन का मार्क आपको अक्सर हम छूते हुए दिखेंगे बीस सवाल ट्वेंटी परसेंट क्वेश्चन का वेटेज है एनवायरमेंट की प्रीलिम्स में, में ये पहले ऐसा नहीं था जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम फ्रिलिम्स के साथ मर्ज हो गया ना तब से एनवायरमेंट का वेटेज बढ़ा दिया गया है क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस के लिए तो बहुत जरूरी टॉपिक है ये तो इसीलिए बढ़ा दिया गया है लेकिन यूपीएससी साफ साफ कहती है कि जनरल इश्यूज ही आपको पढ़ना है ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है जिससे आपको सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता हो नहीं ऐसा कुछ नहीं यूपीएससी पूछती है और सिलेबस भी बहुत वेगली डिफाइंड एनवायरमेंटल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज ये तीन हेड्स में आपको देखने मिलेगा

उसके बाद करंट में जो हो रहा है वो भी जानना पड़ेगा तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे एनवायरमेंट में बहुत छोटा सा स्टेटिक पार्ट है करंट जरूर बड़ा है होता रहता है मालूम होना चाहिए लेकिन जो छोटा सा स्टेटिक है एनवायरमेंट का वो अगर आप पढ़ोगे तो बहुत छोटा है और वो श्योर श्योट मार्क्स दिलाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत कम मेहनत में बहुत ज्यादा रिटर्न है मैं तो ज्योग्राफी भी आपको पढ़ाता हूं लेकिन मैं कहता हूं जियोग्राफी मीन्स क्लियर करने के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना तो ही इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट प्रिलिम्स क्लियर करने के लिए बिना जियोग्राफी के आप मीन्स नहीं क्लियर कर सकते पेपर वन में सौ मार्क्स आते हैं मीन्स में लेकिन जब बात होती है ना प्रिलिम्स की तो ज्योग्राफी का वेटेज बहुत कम हो गया है आज के टाइम में एनवायरमेंट ने वो इकोलॉजिकल निश ऑक्यूपाई कर लिया समझ आया ठीक है तो so, इसी के साथ आपसे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो बताना चाहूंगा देखिए सबसे पहले तो सुपर कोचिंग हम आपके लेकर के आए हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे आपको यूपीएससी सी एस सी सब्सक्रिप्शन हम प्रोवाइड करते हैं एक साल के और इसमें इस सुपर कोचिंग की सब्सक्रिप्शन से आपको प्रस भी क्लियर करने के लिए हम क्लासेस रख रहे हैं मीन्स के लिए भी answer राइटिंग की भी क्लासेस आपको देखने मिलेंगी इसके सिवा आप देखोगे हमारी बहुत सारी एसे की क्लासेस हो रही हैं सीसेट की क्लासेस हो रही हैं ऑप्शनल की क्लासेस हो रही हैं ये सब आपको मिलता है बहुत ही एफोर्डेबल रेट पे ये अगर आप ऑफलाइन में जाओगे तो दो तीन लाख तक हो जाएगा वहीं हम आपको ये प्रोवाइड करते हैं केवल 26999 रुपए में ये तब है जब आप कूपन कोड कौन सा यूज कर रहे हो किंजल यूज कर रहे हो कूपन कोड जब आप किंजल यूज करोगे तो यकीन मानो इससे आपको मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको और किसी कूपन कोड से कभी नहीं मिलेगा दिस इज मैक्सिमम डिस्काउंट नंबर टू इस प्रकार के जो फ्री कोर्सेज हैं जिसको आपने देखा अभी जिससे आप फायदा लिए ये बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके इसको भी इसमें भी आप मदद कर सकते हैं आप इसको सस्टेनेबल बना सकते हैं जो हम फ्री कोर्सेज देते हैं इन्वायमेंट पढ़ा रहे हैं फ्री में जोग्राफी पढ़ा रहे हैं है ना ये सारे सब्जेक्ट जो फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं उसको आप सस्टेनेबल कर सकते हैं जब आप ये कूपन कोड यूज करेंगे और इससे हम इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचा पाएंगे बाकी हमारे सुपर टीचर्स के द्वारा बनाया गया कोर्सेज भी आपको सुपर कोचिंग में मिलता है थर्टी प्लस वीडियो कोर्सेज हैं सुपर टीचर्स ने जो बनाया है सुपर टीचर्स कौन है इनमें से बहुत बड़े नाम है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं इनके जिसमें सैकड़ों स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किया है आप भी उनमें सेक हो सकते हैं ये जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं वही कंटेंट आपको हमारे ऐप आप पे मिलता है तो ऐसे सुपर टीचर्स कई हैं और इनके द्वारा थर्टी से भी ज्यादा वीडियो कोर्सेज है फाइव से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं फाइव से ज्यादा स्टडी नोट्स हैं थाउजेंड से ज्यादा डेली लाइव क्लासेस हैं, ये सब आपको मिलता है जब आप सुपर कोचिंग तो उम्मीद करता हूँ होंगे तो याद रखिएगा कूपन को आई एन जे एल किंजल एंड इसके साथ आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग कल इनवायरमेंट इकोलॉजी की क्लास टाइमिंग तो अभी नहीं मालूम लेकिन वो रिकॉर्डेड होगी तो सुबह कोशिश करूंगा कल सुबह नौ बजे तक वो भी चला जाए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बाय। डू टेक केयर